लाखों रुपए के सरकारी धन के बंदरबाट में 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई। वहीं 3 सचिवों एवं ग्राम प्रधानों से सरकारी धन की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। संबल जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि पवासा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिजपुरी में शौचालय निर्माण के दौरान 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं प्रधान पर सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप था। लाखों रुपए के धन के दुरुपयोग की शिकायत की जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया, जिसके चलते ग्राम पंचायत अधिकारी गौरव कुमार एवं कपिल देव के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करी गई। वहीं अब इन दोनों से एवं प्रधान से सरकारी धन की वसूली भी की जाएगी। DPRO ने बताया कि संबल जिले की जुनाबाई ब्लॉक में तैनात सचिव अक्षय कुमार को भी निलंबित किया गया है। देखिए, ग्राम पंचायत बिस्पुरी विकासखंड पवासा में शौचालय निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव थे वहाँ के कपिल कुमार और गौरव कुमार को निलंबित किया गया है तथा वहाँ के ग्राम प्रधान और सचिवों से वसूली के आदेश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा। इसके अतिरिक्त एक ग्राम पंचायत हैदराबाद है विकासखंड जूनाबाई में, वहाँ पे पंचायत भवन निर्माण में अनियमितताओं पर वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव अक्षय कुमार, ग्राम प्रधान और वहाँ के अवर अभियंता जिन्होंने उसकी MD की थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए हैं।